जय हिंद, वेलकम टू विजयपथ एजुकेशन। एक बार फिर से एचपी टेट के आंसर की के साथ मैं आपसे जुड़ चुका हूं। जीके और एनवायरमेंटल स्टडी के आंसर की को जल्दी से हम एक बार डिस्कस करेंगे। इससे पहले सेक्शन फर्स्ट साइकोलॉजी के सेक्शन को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, इसकी आंसर की आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। और अब हम इसके सेकंड सेक्शन जनरल अवेयरनेस एंड एनवायरमेंटल स्टडी को डिस्कस करेंगे। सीरीज ए को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 रहेगा, बीजक वॉज रिटन बाय, तो बीजक किसकी रचना है? कबीर दास जी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है अल बिरूनी किसके साथ जो है वो भारत आया था, तो इसका राइट आंसर रहेगा मोहम्मद गजनबी, ऑप्शन नंबर डी ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन निर्विरोध भारत के जो है वो राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा नीलम रेड्डी जी, ये निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी थी, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला का नाम है अरावली। बिल्कुल आसान लेवल का क्वेश्चन ये पूछा गया था। नेक्स्ट है सोल में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो वो करेगा रशिया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कॉमर्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, बैंक दर वह दर होती है, तो बैंक दर कौन सी दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को उधार देता है, यानी कि जो आरबीआई है वो पैसा देता है कमर्शियल बैंक्स को, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बार बार आने वाली बाढ़ के कारण किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी। काफी इजी क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में पूछा गया है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है G20 शिखर सम्मेलनों में से 19वां शिखर सम्मेलन 2024 कहां पे होगा, तो रियो डी जेनरियो, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उनका कार्यकाल कितना होता है, तो 9 साल का कार्यकाल उनका होता है, ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है हाल ही में जो चक्रवात था रेमल, साइक्लोन था रेमल, उसका नाम जो है वो किसने रखा है, तो उसका नाम जो है वो रखा गया है ओमान के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति बंधन अधिनियम लोकसभा में कब पारित हुआ, 21 सितंबर 2023 को पारित हुआ। रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी ये क्वेश्चन अभी आपका हाल ही में जो टेट के एग्जाम हुए हैं उसमें ये पूछा गया है। नेक्स्ट है राइडर कप किस खेल से संबंधित है, तो राइडर कप जो है वो गोल्फ के साथ जुड़ा है, गोल्फ के साथ जुड़ा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के किस मुकदमे के निर्णय के संविधान की मूल संरचना की उत्पत्ति हुई थी, तो ये केशवानंद भारती केस जो था वहां से जो है वो संविधान की उत्पत्ति जो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वहीं से माना जाता है, केशवानंद भारती केस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती, काफी इजी क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में पूछा गया, कांगो नदी है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है भारत ने पहली बार 14th बैंकों का जो है वो राष्ट्रीयकरण किया था, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा वो राष्ट्रीयकरण किया गया था, कब किया गया था, 1969 में, ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर रहेगा, आरबीआई से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है अभी किस दिन को जो है वो फुटबॉल दिवस जो है वो घोषित किया गया है हाल ही में, तो वो है यहाँ पे 25 मई जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। 25 मई जो है वो फुटबॉल डे के रूप में मनाने की घोषणा जो है वो की गई। देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप ये सोच सकते हैं कि अभी हाल ही में आपका ये क्वेश्चन पेपर जो है वो प्रिंट किया गया है, काफी पुराना नहीं है, नया क्वेश्चन पेपर प्रिंट किया गया है, क्योंकि अभी जो चुनाव हुए हैं हमारे लोकसभा के, आप मान सकते हैं हिमाचल विधानसभा के भी चुनाव हुए, तो उपचुनाव हुआ लाहौल स्पीति में, वहां पे जो विजय जो रहे हैं जिनको जो है वो विनिंग हुई है उनकी, उनका नाम है अनुराधा राणा, अनुराधा राणा जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ये जो है वो विधायक जो है वो विधानसभा के लिए लाहौल स्पीति से चुनी गई है। नेक्स्ट है बिल्कुल नया क्वेश्चन यहाँ पे करंट अफेयर का क्वेश्चन जो है वो डाला गया है। नेक्स्ट है मंडी का प्रसिद्ध पंचवक्र मंदिर जो है वो किसने बनाया था, देखिए पिछले साल जब काफी बाढ़ आई थी हिमाचल में, तो मंडी का जो पंचवक्र मंदिर था वो काफी फेमस हुआ था, क्योंकि उसके आसपास सारी चीजें जो थी वो बह गई थी उस नदी में, लेकिन पंचवक्र मंदिर जो है वो रह गया था, तो राजा सिद्ध सेन के द्वारा जो है ये बनाया गया था, ये वहां से क्वेश्चन जो है वो उठाया गया, पिछली बार भी ये पेपर में पूछा गया था। नाको झील कहाँ पे है, किन्नौर में है, काफी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट तारीख रियासत सिरमौर के पुस्तक कौन है, तारीख रियासत सिरमौर ये जो है वो लिखी गई है रणजोर सिंह के द्वारा, कवर
कन्वर रंजोर सिंह के द्वारा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये हिमाचल जीके से क्वेश्चन पूछा गया। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल की साक्षरता दर कितनी थी, काफी बार पूछा जाता है, 82.80%। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन, आईपीएल 2024 किसने जीता, तो अभी हाल ही में कोलकाता के द्वारा ये जीता गया है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष क्या थे। देखिए जल्दबाजी में कुलदीप सिंह पठानिया को आपने टिक नहीं करना है, क्योंकि ये एट प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष हैं। यहाँ पे पहले अध्यक्ष पूछे गए थे, बिल्कुल पहले, जो फर्स्ट टाइम जब 1951-52 में इलेक्शन हुए थे तब के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जयराम। ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत जो 0 से 14 साल के बच्चों को धनराशि दी जाती है वो कितनी दी जाती है, तो 4,000 रुपये प्रतिमा जो है वो धनराशि दी जाती है, और इन बच्चों को जो है वो स्टेट ऑफ द चाइल्ड के नाम से जो है वो जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा के परीक्षक कौन है, तो उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा सदस्य कौन है। देखिए अभी हाल ही में हिमाचल के राज्यसभा सदस्य बने हैं जिनका नाम है हर्ष महाजन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये हमारे जो पेड क्लासेस थे उसमें ये क्वेश्चन जो है वो कराया गया था, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, और आपका अभी हाल ही में जो इलेक्शन हुए हैं वहीं से क्वेश्चन जो है वो, दो क्वेश्चन तो डायरेक्ट आपके हिमाचल के ही यहाँ से डाल दिए गए हैं। नेक्स्ट है, कुंजुम दर्रा कहाँ पे, तो कुंजुम जो है वो स्पीति को जो है वो जोड़ता है, तो स्पीति घाटी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा की राजधानी क्या है, तो कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में जो संपन्न अभी इलेक्शन हुए हैं 18 में, देखिए ये भी इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया, इलेक्शन से अभी तक 3 क्वेश्चन इनमें पूछ लिए गए हैं, तो सबसे अधिक अंतर से जिन्होंने जीत हासिल की है उनका नाम क्या, तो शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, शिवराज सिंह चौहान जी। नेक्स्ट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले टाइट के पेपरों में भी पूछा गया था, इंदिरा गांधी प्यारी सुख बहना सम्मान निधि योजना जो है ये करवाई गई थी आपको, और इसमें महिलाओं को जो है वो कितने रुपए प्रति महीना जो है वो दिए जाते हैं। लाहौल स्पीति से सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई, अप्रैल 2024 में इसकी शुरुआत की गई है। अभी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पैसे नहीं मिले हैं, तो 1500 रुपये की धनराशि जो है वो प्रत्येक महिला की जहाँ पे बात की गई थी सरकार के द्वारा, उनको जो है वो दी जाएगी। तो ये हमारा जीके का सेक्शन था, जल्दी ही सोशल स्टडी के सेक्शंस को भी हम कवर करेंगे। सो कितने आपके यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है कमेंट करके आप जरूर बताएं, एक बार शेयर जरूर कीजिएगा इस क्लास को, एंड लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।